मुंबई से सटे मीरा रोड में दो गुटों में जब झड़प हो गई थी तो माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया था। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज के जो डिप्लॉयमेंट है वो भी कर दी गई है। सीआरपीएफ की टुकड़ी सीआरपी वो भी यहां पर अब तैनात कर दी गई है। बाकायदा आंसू गैस के जो वैन है वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। मीरा रोड के नया नगर में पिछले दो दिन से काफी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, काफी पत्थरबाजी हो रही थी, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे, कई लोगों को चोटें भी लगी थी, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई थी, उसके बावजूद भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी। यही वजह है कि अब पूरे इलाके में सीआरपी को तैनात कर दिया गया है और साफ तौर पर बोला गया है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नया नगर में जहां पर सिचुएशन खराब हो चुकी थी, दो गुट आपस में आमने सामने आ गए थे और लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, कई लोगों को चोटें भी आई थी, अब सीआरपी को तैनात कर दिया गया है। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वेपन्स के साथ यहां पर तैनात हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। और यहां पे पूरे इलाके में जो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ था उन इलाकों में अब सीआरपी के जो जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया है। एक कंपनी यानी कि 120 जवान सीआरपी के यहां पर तैनात किए गए हैं और इनको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोकल पुलिस के साथ साथ अब सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं, पूरी तरह से सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में जहां पर माहौल खराब हो गया था वहां पर अब सीआरपीएफ की तैनाती हो चुकी है। मीरा रोड से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।